हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमाल है, ये आदमी इतना बेतहाशा भागता हुआ क्यों जा रहा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हुआ सर? सर मेरी मदद कीजिए, प्लीज सर, मेरी हेल्प कीजिए सर। एक मिनट बताइए क्या हुआ है आपको? बताइए सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। हाँ मैं मदद करूंगा, लेकिन तुम बताओ तो क्या हुआ तुम्हें? सर अपना फोन दीजिए सर, प्लीज। फोन क्यों सर? पुलिस को फोन करना है सर, पुलिस को फोन करना है। पुलिस को क्यों फोन करना चाहते हो? क्या हुआ है तुम्हें बताओ? सर ये बताने का टाइम नहीं है सर, प्लीज अपना फोन दीजिए। देखो घबराओ मत, मैं खुद CID से हूँ, अभी CID को बुलाता हूँ। अरे अरे भाग क्यों रहा है? ये CID का नाम सुनकर के भाग क्यों करा? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। अभिजीत फौरन हाईवे पे पहुंचो। हाँ फौरन, देखता हूँ। क्या बोला सलम के सामने? फोन करके बोला इस रोड पे आ जाओ, उसके बाद फोन कट गया। काफी परेशान लग रहे थे। इस समय सारों के साहब के फोन के लोकेशन कहाँ पे है? सर सारों के सर का फोन आगे से लेफ्ट में। लेफ्ट? सर सालों के साहब का मोबाइल ये लोकेशन बता रहा है। सर सालों के साहब, सालों के सर, सालों के साहब, अंदर चल के देखते हैं। सालों के सर, डॉक्टर साहब, सालों के साहब, सालों के सर, सालों के सर, सालों के सर, सर तो मर चुका है। ये सीने पे गोली मारी है सर। कपड़े देखकर लगता है जैसे किसी फंक्शन में जा रहा था। सर जेब में कोई आईडिया पर्स वगैरह नहीं है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस बुला। पर सारुके साहब का फोन तो यहीं पे बज रहा था ना। तुम लोग देखो सर। सर 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 सालों के सर का फोन। फोन नहीं आया इसका मतलब सड़क के सब यहीं कहीं होने चाहिए। सर डॉक्टर साहब, सर सड़क के सर, डॉक्टर साहब, सर सर नो, ओह माय गॉड, जल्दी आओ, संभल के ट्रेन लेके आओ जल्दी। संभल के लग गया सर। रुको रुको,
गंदा है सर। लेकिन तारिका को बोलो स्टीम और हीटर वगैरह सब तैयार करें जल्दी। बाहर निकलो। सालुके सर, सर सालुके सर, सालुके सर, सर उठिए, सालुके सर। अभी भी बॉडी बिल्कुल ठंडी है, बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री। अरे जल्दी करो नहीं तो सालुके साहब तो माय गॉड सर, स्टीम मार मार के रजाई का टेम्परेचर कम से कम 60 से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा सर। लेकिन बर्फ में लेटे हुए थे सालों के साथ, टेम्परेचर नॉर्मल होने में टाइम तो लगेगा ना सर। एक काम करो यहाँ मुंह पे मारो, इधर इधर। नहीं नहीं अभिजीत, मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं, बहुत दर्द होगा, मुंह जल जाएगा। तारिका सालों के साथ सोए हुए हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। जल्दी जल्दी। आप जिंदा हैं? I'm sorry, मतलब आप ठीक हैं सर? मैं जिंदा हूँ। अगर अगर थोड़ी देर और कर देते तो निकल जाता मैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने घसीट के मुझे बर्फ में डाल दिया। मैं तो ढूंढने के लिए निकला था और तभी मेरी आंखों में एक गैस का बबू का आया। मेरी आंखें। माय गॉड सर, अभी ठीक है आपकी आंखें? सर ये कितनी उंगलियां सर? मजाक मत करो यार, हाथ कहाँ है तुम्हारा? सर ये आपके आंखों के ऊपर सर, ये कितनी उंगलियां सर? यार तुम्हारी आवाज सुनाई आ रही है लेकिन अभिजीत हाथ तो दिखाई नहीं दे रहा यार। मैं कहाँ हूँ अभिजीत? सर आप अपने लैब में हैं सर? सर मैं तारिका, सर तारिका, सर मैं पूरी। यार तुम लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे यार, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माय गॉड अभिजीत। हाँ सर। हाँ मैं जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ मेरे आसपास कोई लाश दिखाई दी तुम्हें? हाँ सर वो लाश यही है सर, एक लड़के की है। अच्छा उसने काली पैंट और ग्रे कलर की कमीज पहनी है। हाँ हाँ वो हाँ सर है वही आदमी है, वही है। लेकिन सर वो वहां पे हुआ क्या था सर? आदमी मुझसे मदद मांग रहा था और मुझसे ही छुप रहा है, देखना पड़ेगा। और मैंने एक औरत के जूतों की आवाज सुनी। औरत के जूते की आवाज फिर? और तभी मैंने एक गोली के चलने की आवाज सुनी और फिर किसी आदमी के चीखने की आवाज आई। मैं जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो तुम किसी को मार रहे हो? तभी पता नहीं कहीं से दो आदमी आए और मुझे बर्फ में घसीट के ले गए।
करीब मैंने एक गाड़ी के चलने की आवाज सुनी और उसमें कोई कह रहा था कि हाईवे की तरफ ले चलो। सर वो कार के बारे में कुछ पता है सर आपको? अभिजीत, मैं जब इस फैक्ट्री में गया तो वहाँ दरवाजे पर मैंने नीले रंग की कार देखी थी। नीले रंग की कार? निखिल, विक्रम, नीली कार हाईवे की तरफ गई है। सभी चेक नाको कन्फर्म करो जल्दी। सचिन, हमें पता लगाना होगा ये आदमी कौन है, क्या कर रहा था वहाँ, कैसे पहुँचा। कारिका, ध्यान रखो, हम लोग आते हैं। सर, सर मैं आपके लिए एंटीडोट तैयार कर रही हूँ, आपकी आँखें बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। सर, ये रही वो कार जिससे सालों के सामने फैक्ट्री के बाहर देखा था। कुछ मिला इसमें से? नहीं सर, गाड़ी में से कुछ भी नहीं मिला, इससे भाई इस गाड़ी के मालिक का पता चले। ठीक है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगाते किसके नाम पे गाड़ी है। गाड़ी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सालों के सर के होते हुए भी कोई किसी को मार के भाग गया? घाव के आसपास कहीं गन पाउडर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन घाव है एकदम शार्प। लगता है 15-20 फीट की दूरी से ही गोली चलाई गई है। और मारने वाले का निशाना एकदम अचूक है। देखिए जरा कहीं और गोली का निशान तो नहीं है? एक ही गोली चली है तो दूसरा घाव कहां से आएगा? जी सर, पलटो जरा, कहीं और चोट का निशान तो नहीं है? क्या हुआ सर? ये देखिए, एक और गोली लगी है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? वाकई दूसरा काम है, दो गोलियों का काम, ये कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता है? सर शायद आपको सुनाई ना पड़ा हो, है ना? मतलब तुम्हारा कहने क्या मतलब है? मुझे सुनाई नहीं दिया है? मैं बहरा हूँ, गैस आंखों की जगह मेरे कानों में भी घुस गई है क्या? सर मैं तो बस ये कह रही थी कि क्या मतलब है तुम्हारे कहने का कि मतलब सालू के बहरा हो गया है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, ये मतलब है? अरे सर, कभी कभी हड़बड़ाहट में चीजें नहीं सुनाई पड़ती। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है सालू के को गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी है? सर घाव तो आपके सामने है। हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे हो सकता है? एक मिनट, पलटो पलटो सारा पलटो। सालू के बहरा नहीं हुआ, सालू के बहरा हो ही नहीं सकता है, सालू के बहरा हो ही नहीं सकता है। सीधा करो, सीधा करो, इसे सीधा करो। अभी पता लगता है, अभी पता लगता है। सालूखे की खोपड़ी वहां पहुंचती है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। तो कहाँ चला गया बेटा? ये भी नहीं सोचा कि तेरी माँ तेरे बगैर कैसे जिएगी।
शांत हो जाओ कपिल की मैं, शांत हो जाओ। अरे खड़े क्या हो यार, पानी लाओ। जी सर। लो पानी पी ले। देखिए हम लोग आपका दुख अच्छी तरह समझते हैं। कपिल का खून हो गया है और नेहा अभी तक गायब है, लेकिन आप लोगों से कुछ जरूरी सवाल पूछने पड़ेंगे जिससे हम लोग खूनी तक पहुंच सकें। एक बात बताइए, कोई शादी से नाराज भी था? आई मीन कोई ऐसा है जो नहीं चाहता था कि ये शादी हो? क्या बात है, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? सर पहले हम दोनों परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। जब हमें पता चला कि नेहा हमारे बगैर खुद ही शादी कर लेगी तो मजबूरन हमें इस शादी के लिए राजी होना पड़ा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। देखिए मैं तो अभी भी तैयार नहीं, लेकिन जब नेहा के दिमाग में भूसा भरा पड़ा है तो हम भी क्या कर सकते हैं। अब नेहा के मामा होके भी इस तरह की बातें करते? जब लड़का लड़की राजी थे, दोनों बालिग थे, तो क्या इतराज है आप लोगों को? नाक नहीं कट जाती हमारी समाज में? लेकिन हमने नेहा के लिए वो भी मंजूर कर लिया। हमारे समाज में आज तक किसी लड़की ने अपना दूल्हा खुद नहीं ढूंढा है, लेकिन हम लोग मान गए, इसलिए हमने दोनों को लॉन में बुलाया शादी के लिए, लेकिन ना नेहा और कपिल दोनों ही नहीं आए। प्लीज आप मत रोइए। चीना तुम तो नेहा की दोस्त हो, और तुम्हें उसने कभी कुछ इस बारे में बताया? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, कमाल है। अब क्या करें सर? सारों के सामने नेहा को आखिरी बार फैक्ट्री में देखा था, आई मीन सुना था। हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ, आंखें तो ठीक दिख रही हैं? आंखें तो ठीक है, लगता है दिमाग में तरह सी गैस घुस गई है। कब से हंस रहे हैं? यही जब से ये दोनों घाव देखे हैं। दो गोलियां चली है ना? हाँ हाँ। और दोनों लाश से मिली? हाँ सर, दो गोलियां मिली हैं, 1.38 एमएम की है और दूसरी 1.38 ना, दूसरी 0.32 एमएम। और ये दोनों गोलियां मैंने और वैभव ने निकाली है। हाँ तो ठीक है, कौन सी तोप चला दी? नहीं गोली आप लोग निकालेंगे, नहीं तो क्या हम निकालेंगे? तेरे से लालू की खोपड़ी में कोई सन्नाटा नहीं होता। काफी गहरा धक्का लगा लगता है। हाँ, जब से दूसरा घाव देखा है तब से ऐसे पागलों की तरह हंसते ही जा रहे। अब वो तो हो गई, इन्होंने एक गोली सुनी है और यहाँ दो गोलियां चली हैं। एक कभी जी, एक गोली चली है, एक सर दो गोलियां मिली हैं, दो घाव हैं बॉडी पे। आपसे सुनने में? नहीं, मेरे सुनने में कोई गलती नहीं हुई है। एक गोली चली है, मैंने एक गोली चलने की आवाज सुनी है, एंड दैट्स इट, बस। अच्छा तो फिर ये दूसरी गोली? दूसरी गोली 2 घंटे पहले चली है। अब ये आपको किसने बताया? लाश ने जी सर, लाशें भी बोलती हैं। सुनने के लिए सालूके के कान चाहिए। क्या चाहिए? सालूके के कान जी। लेकिन सर मैं जो देखता हूं उस पर विश्वास करता हूं। अच्छा तो मैं दिखाता हूं। हाँ दिखाइए। ये देखो भाई साहब, गोली लगी, घाव हुआ, खून बाहर निकला और जम गया। अरे सर तो कौन सी बड़ी बात है, खून बाहर निकलेगा तो जमेगा ही ना। हाँ लेकिन जमता क्यों है? क्यों? अरे सर खून जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो जम जाता है। अब क्यों हंस रहे हैं? भैया मेरे, ऑक्सीजन तो शरीर के अंदर होता है ना, फेफड़ों में ऑक्सीजन होता है ना, तो फिर शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता?
क्यों नहीं जमता? वो क्या? वो जब वो क्या? अरे वो जब इधर मत देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या बोलो बोलो बोलो, हो गई ना? हो गई ना? थप 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 थप। भाई साहब, खून में बहुत सारे लाखों प्लेटलेट्स होते हैं जो शरीर के अंदर दौड़ते रहते हैं सिपाही की तरह से, और जैसे ही इन्हें पता लगता है कि शरीर के अंदर घाव हो गया, ये दौड़ पड़ते हैं उस घाव को बचाने के लिए और खून के साथ बाहर निकलते हैं। और जैसे ही ये खून के साथ प्लेटलेट्स बाहर निकलते हैं, ये ऑक्सीजन जो हवा में होती है उसकी वजह से चिपकने जैसा पदार्थ बन करके घाव पर चिपक जाते हैं। हाँ वो। लेकिन इसके बाद एक और प्रोसेस शुरू होता है, उसे कहते हैं थ्रोम्बिन। हाँ वो ठीक है सर, वो मैं बात कर रहा था सर, वो दो गोली की। जी मैं भी बात कर रहा हूँ दो गोली लगने की। ये जो दोनों घाव इसके शरीर पर है, इनका दोनों का खून मैंने अच्छी तरह से जांच किया है। एक खून बताता है कि वो 2 घंटे पहले निकला है, मतलब वो गोली जो इसके पीठ में लगी है 2 घंटे पहले ही इसे लग चुकी थी, और वो गोली जिसकी आवाज मैंने सुनी, वो एक गोली, वो इसे लगी यहां छाती पर और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। मतलब जब ये आदमी आपसे मिला था तो इसे एक गोली लगी हुई थी और ये आपसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। कपिल अपने घर से शादी के कपड़े लेने के लिए टेलर के पास गया। अब टेलर के पास से उसे जाना था शादी के मंडप में, मगर कपिल शादी के मंडप में पहुंचा ही नहीं, वो सीधा गया आइस फैक्ट्री में। क्यों आइस फैक्ट्री में क्यों गया वो? तो सर जो कुछ भी हुआ है टेलर के यहां हुआ है, उसके बाद से उसने अपना रास्ता बदल लिया है। सर सर ये वही टेलर है। हमें कपिल के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। आप कपिल भैया का तो नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। क्यों क्या हुआ? सर मैरिज हॉल जाने के लिए कल मेरा स्कूटर लेकर गए थे, अभी तक वापस नहीं किए मेरा स्कूटर। देखो कपिल का खून हो गया है। क्या कपिल भैया का खून हो गया? हाँ अभिजीत, अगर कपिल इस टेलर का स्कूटर लेकर गया था तो फिर वो स्कूटर भी वहीं कहीं आसपास मिलनी चाहिए ना जहां पर कपिल साळुंखे को मिला था। स्कूटर ढूंढनी पड़ेगी। लगता है गाय का गोबर है। क्यों भैंस का भी तो सकता है। तारिका वो गाड़ी में कुछ ऐसा मिला जिससे उस लड़की के बारे में पता लगाया जा सके? हाँ सर। अच्छा तारिका ये बाल लड़की के ही है ना? नहीं सचिन, गाड़ी में कोई लड़की थी ही नहीं। क्या? हाँ सर, क्योंकि जो भी बालों के सैंपल्स हमें गाड़ी में से मिले हैं सारे मर्दों के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नेहा कार में नहीं थी तो फिर नेहा गई कहाँ? कहीं आइस फैक्ट्री में तो नहीं? लेकिन सर उस फैक्ट्री की तलाशी तो हमने ली थी। नहीं नहीं, एक बार फिर से देखना होगा। एक चीज और सर, गाड़ी के टायर पे खूब सारा सूखा हुआ गोबर मिला है और जिस तरह से वो उस पे लगा हुआ था ऐसा लगता है ये गाड़ी काफी समय से एक ऐसी जगह खड़ी है जहाँ खूब सारा गोबर है। ठीक है वो पता चल जाएगा, कार के नंबर से ओनर का पता चल जाएगा, ये सभी पता चल जाएगा। पहले हमें नया को बचाना है। पूरी फैक्ट्री अच्छी तरीके से चेक कर लो,
नेहा यहीं कहीं होगी। उधर देखो, यहाँ तो नेहा दिखाई नहीं दे रही और उसे साथ में भी नहीं ले गया कोई। ये नेहा गई कहाँ? बिरजू, तू कोई काम सही ढंग से नहीं करता। सही ढंग से काम किया कर, जा काम कर अपना, चल जा। काम चोर कहीं का। अरे भाई साहब, ये तबेला आपका है? सर, आप और यहाँ? कबील और नेहा के खूनी के बारे में आपको पता चला? हाँ बाबा जी। कौन है वो? किसने मारा मेरी भांजी को? तुमने। मैंने? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी भांजी को क्यों मारूंगा? ठीक है, आपने नहीं मारा, आपने गुंडों से मरवाया। हाँ सर, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। तो फिर आपकी नीले रंग की गाड़ी आइस फैक्ट्री में कैसे पहुंची? नीली गाड़ी? अरे पोपट, इधर। हम लोगों के पास में कितनी गाड़ी है? 13 थी, अब 12 रह गई। हाँ सर, मुझे याद आ गया, वो नीले रंग की गाड़ी चोरी हो गई। अच्छा, कब हुई थी चोरी? यही कोई 4-5 दिन पहले। एफआईआर की रिपोर्ट दिखाओ। अरे वो रिपोर्ट देना, एफआईआर। रिपोर्ट तो मैंने लिखाई नहीं। रिपोर्ट नहीं करवाई? ये नाटक बंद कर मामा, तूने ही मारा है नेहा और कपिल को। लड़की की है तो साफ दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात और दिखाई दे रही है। ऐसा क्या है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा? वो ये सर कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, लड़की की लाश आपको लड़की की लाश दिखाई दे रही है। हो गया? हो गया, हो गया, हो गया। तो एक मिनट सर, हटना जरा भाई, प्लीज सर, थोड़ा एक मिनट जरा संभाल के लड़की की लाश को मार मत देना। एक मिनट।
ये तो नेहा है। लेकिन सर इसे कब मारा होगा? मुझे लगता है इस फैक्ट्री में ही खून कर दिया इसका और वहीं पे बर्फ में जमा दिया। लड़का लड़की दोनों का खून कर दिया सर, पर सर कौन कर सकता है? इनके परिवार वाले तो शादी के लिए मान गए थे। नहीं, माने नहीं होंगे, मानने का नाटक किया होगा दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम लोग तैयार हैं शादी करवाने के लिए, और अंदर ही अंदर आग, बदले की आग। दूसरी बिरादरी का लड़का हमारी लड़की से कैसे शादी कर सकता है? दूसरी बिरादरी की लड़की हमारी दुल्हन कैसे बन सकती है? ये शादी हो ही नहीं सकती। सर कहीं ये ऑनर किलिंग का चक्कर तो नहीं है? जो भी है छोड़ेंगे नहीं खोने को। पहचान मत। तो ये है उस टेलर की स्कूटी जिसे कपड़े लेकर गया था। तो देखो इसमें कोई पेपर्स वगैरह है क्या? सत्तन के ये स्कूटर उसी टेलर की है। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। आपका 30 तंदूरी है, 7 पालक पनीर, 4 जीरा राइस। बस बैठिए सर, अभी लगाता हूँ। आइए सर, आइए। भाई साहब हम लोग CID से हैं। नमस्कार। आप ये बताइए, कल रात सामने वहाँ जंक्शन पे आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? गोली चलने की आवाज? नहीं सर, मैंने नहीं सुनी सर। देखिए याद कीजिए, कल रात को एक आदमी स्कूटर से यहाँ से जा रहा था और उस पर किसी ने गोली चलाई। ये तो मेरे को नहीं मालूम सर, पर कल शाम को एक कस्टमर वहां बैठा था, वो बोल रहा था कि जंक्शन पे दो आदमी लड़ रहे थे। दो आदमी लड़ रहे थे? कौन है ये कस्टमर? सर वो रोज शाम को यहाँ खाना खाने के लिए आता है, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है सर। ये 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 है सर उसका मोबाइल नंबर। दिव्या इसे फोन करके ब्यूरो में बुलाओ। इस फोटो में जो आदमी है इसे गौर से देखो, याद करो क्या इसे पहले कभी देखा है, हाईवे पे क्या हुआ कुछ याद है आपको? हाँ सर, ये आदमी दूसरे एक आदमी का गला दबा रहा था। कौन था? क्यों मारना चाहते हो मुझे? कहे निया, बोलो मुझे क्यों मारना चाहते हो? निहाल रहा। वो अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी मैं जोर से चिल्लाया और वो दोनों अलग अलग दिशा में भाग गए। वो दूसरा आदमी कौन था, पहचानते हो उसे? नहीं सर, क्योंकि उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। क्या, उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था? हाँ सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत, कि कोई तो था जो जानता था कि कपिल हाईवे से शादी के मंडप की तरफ जाने वाला है। सर काफी लोग जानते थे, नेहा का परिवार, कपिल का परिवार सब इंतजार कर रहे थे उसका वहां पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस आदमी से झगड़ा होने के बाद कपिल शादी के मंडप की तरफ नहीं गया, आइस फैक्ट्री की तरफ गया, क्यों? अभिजीत ये तो वही आदमी बता सकता है जिसका गला कपिल दबाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी के गले पर जरूर गला दबाने के निशान होंगे। शायद मैं इस आदमी को जानता। शेजू इधर आ। हाँ सर। ये जरा देखा। अरे क्या हुआ सर, मैं क्यों रहा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे सर मैं सच कर रहा हूँ सर। मैंने पहला देखा, शर्मा मत। ये देखिए सर,
तुम्हारे गर्दन पर खरोंच कैसे है? वो रात को सोते समय गले पे छछुंदर चढ़ गया था, उसी से ही निशान हो गया सर। फिर अभिजीत जरा छछुंदर का पता लगाओ। सुन छछुंदर, बताओ शिजी क्यों मारा तुमने कपिल और नेहा को? साहब मैंने सिर्फ कपिल पर गोली चलाई थी, नेहा को मैंने नहीं मारा था साहब। वो तो कपिल ने मुझे पहचान लिया था और कपिल मेरा गला दबाकर पूछने लगा कि बता नेहा कहाँ है, तो साहब मैंने बता दिया कि नेहा आइस फैक्ट्री में। लेकिन मारा क्यों कपिल को? साहब वो मामा जी ने कहा था साहब। क्या बकरा शिजू, मैं ही मिला था तुझे? सर ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मामा जी पॉपट ने आपकी भेजी हुई चिट्ठी मुझे दी थी जिसमें लिखा था कि कपिल जंगल वाले चौराहे पर आ रहा है, उसे गोली मार दो और नेहा आइस फैक्ट्री में। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मेरे बेटे पॉपट के हाथों मैंने बिल भेजा था इसे देने के लिए। साहब साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। साहब ये देखिए साहब ये चिट्ठी, मैंने इस चिट्ठी को अभी तक संभाल कर रखा है क्योंकि मुझे मामा जी से पैसे लेने थे। कपिल जंगल वाले चौराहे की तरफ आ रहा है, उसे गोली मार दो, नेहा आइस फैक्ट्री में है। क्यों मामा जी ये चिट्ठी आप ही ने लिखी है ना? नहीं सर मैं क्यों? आप पहले से ही कपिल और नेहा की शादी के खिलाफ थे तो मरवा दिया उन लोगों को। नहीं सर मैं इतना निर्दय नहीं हूँ। ए पपट इधर आ। मैंने तेरे हाथ में एक बिल दिया था इसे देने के लिए, तो इसके पास ये चिट्ठी कहाँ से आई? पापा मैंने तो वही दिया था जो आपने मुझे दिया था। पोपट बेटा एक बात बताओ, पापा ने तुम्हें ये चिट्ठी दी थी बराबर है? कहाँ पर दी थी? हमारे घर में। तुम्हारे घर में? और फिर तुमने ये चिट्ठी सीजू का कब दी, कहाँ पर दी? इस घर में। इस घर में? तो फिर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और इस घर के बीच तुम कहीं रुके थे? हाँ गैरेज पर। गैरेज पे? वहां पे क्यों? वो रास्ते में एक आदमी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी, वो जबरदस्ती मेरी गाड़ी में घुसकर मुझसे लड़ाई करने लगा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभिजीत कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे गाड़ी वाले ने चिट्ठी बदल? हो सकता है। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मैंने गुस्से में उसके चश्मा तोड़ दिया। गाड़ी क्यों ठोकी पापा, मुझे मारेंगे। गाड़ी क्यों ठोकी? मैंने नहीं ठोकी, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे चश्मे के बगैर दिख नहीं रहा था, वो तो ठीक से ड्राइव भी नहीं कर पा रहा होगा। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पापा कहते हैं जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, ज्यादा बोलने पे मैं बेवकूफ दिखता हूँ। नहीं नहीं तुम बहुत समझदार हो सर, अगर चश्मे के बगैर उस आदमी को नहीं दिख रहा था तो आसपास कहीं चश्मा बनवाया होगा उसने तो। बिल्कुल सही अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा जहां पर गाड़ियों की टक्कर हो गई वहां आसपास चश्मे की कितनी दुकानें हैं और उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। सारी दुकानें देख ली लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। चलो यहां भी देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से, आपसे एक आदमी के बारे में पूछताछ करनी है। जी बताइए। कल एक आदमी आया था क्या आपके पास अपना चश्मा बनवाने के लिए? उसका चश्मा बुरी तरीके से टूटा हुआ था, जैसे किसी ने मारपीट की हो उसके साथ, पर बिना चश्मे के उसे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। सर आया तो था, दो तीन घंटे बैठा फिर चला गया। सर वो किसी पोपट नाम के आदमी को गाली दे रहा था, शायद उसी ने उसका चश्मा तोड़ा। हाँ वही है वही है। उसका नाम पता कुछ है आपके पास? सर नहीं सर, वो हाथों हाथ चश्मा लेकर चला गया। लेकिन हाँ उसने जो बिल दिया है वो क्रेडिट कार्ड से दिया है। क्रेडिट कार्ड से? फिर तो हमारे हाथ से नहीं बच पाएगा।
हेलो, सीआईडी को मेरे बारे में पता चल गया है। हाँ हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर सालुंखे को किसी भी तरह से इस फैक्ट्री में बुलाता हूँ। मैं सालुंखे, मेरे लोगों ने तुम्हें बर्फ में डाला, फिर भी तुम जिंदा बच गए। लगता है तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। अब तो सीधा गोली मारूंगी तुम्हें। तेरा ठिकाना अब जेल में है। क्यों मारा तुमने कपिल और नेहा को? नफरत करती थी मैं नेहा से और कपिल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस नेहा की वजह से कपिल ने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए तुमने उन दोनों को मारने का फैसला कर लिया? हाँ, मैंने नेहा को उसकी ड्रेस ट्राई करने के लिए अपने बुटीक में बुलवाया। मरवाने के लिए मैंने सेजू के साथ प्लान बनाया। सेजू ने उसकी पीठ पर गोली चलाई, कपिल बच गया, इसलिए मुझे यहाँ खुद फैक्ट्री में आके कपिल को मारना पड़ा। I love you, Kapil. I'm sorry. तुमने पोपट के हाथ में बिल के बदले चिट्ठी कैसे बदली? मैंने मेरे आदमी से कहा कि वो पोपट की गाड़ी से जानबूझ के जाके टकराए और मेरे हाथों लिखी हुई चिट्ठी बाहर रख दे और बिल को गायब कर दे। तुमने सोचा सारा शक कपिल और नेहा की फैमिली पे जाएगा, पर सच्चाई कभी छुपती नहीं है शीना। दो खून किए तुमने, एक सीआईडी ऑफिसर को मारने की कोशिश की है, इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें, शायद फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।